साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत फरियादियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क से जनपद वासियों को दी 131 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। एनएक्सी भवन सभागार से मुख्यमंत्री ने डिजिटल पुस्तकालय प्लेटफॉर्म का किया आधिकारिक शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना के तहत छात्र छात्राओं से किया सीधा संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी कमिश्नर सहित जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने वैक्सीनेशन कराकर कहा अपनी बारी का करें इंतजार, अवश्य करें वैक्सीनेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव न्याय व अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दिलाया जाए न्याय। शाहपुर थाना क्षेत्र में नर्तकी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला विधिक न्यायिक सचिव ने दी जानकारी, कहा आगामी 7 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में नियमित लोक अदालत का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रमुख सचिव ने संबंधित कार्यों से शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर की चर्चा। भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की गोरखपुर की शाखा द्वारा महिला दिवस पर लगाया जाएगा वृहद सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर निःशुल्क प्रशिक्षण व जाँच शिविर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 60वें अधिवेशन का एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर किया लॉन्च। शिक्षा सेवा अधिकरण वापस लिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नायक जनसेवा संस्थान के महामंत्री ने पत्रकार वार्ता कर नायक गोंड धुरिया सहित अन्य जातियों को अनुसूचित जाति में रखे जाने की मांग। और गीता वाटिका की दूसरी ब्रांच का पार्क रोड पर हुआ भव्य शुभारंभ। ग्राहकों की सुविधा और सेवा वाटिका परिवार की पहली प्राथमिकता।